आज हम एक वेट लॉस रेसिपी बनाएंगे जिसे आप डिनर में, ब्रेकफास्ट में या ऐसे स्नैक्स के तौर पर भी ले सकते हो। ये हेल्दी तो है ही, साथ में टेस्टी भी है और बनाना भी बहुत आसान है। इस टिक्की को जो डायबिटीज का पेशेंट है और जिसे कोलेस्ट्रॉल भी ज्यादा है, वो भी इस टिक्की को अपने डाइट में शामिल कर सकते। आपको मेरी ये वेट लॉस रेसिपी कैसी लगी वो मुझे कमेंट में जरूर बताइए। और आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ में अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को भी शेयर करना। चॉपर में हम आधा कप जितने मटर लेंगे, दो हरी मिर्च और अदरक लिए, आधा कप जितना हरा धनिया लिए, इसका हमें दरदरा सा पेस्ट बना लें। इस तरह से हमें दरदरा पेस्ट बना लेना है। अगर आपके पास इस तरह का चॉपर ना हो तो आप मिक्सी की जो छोटी जार आती है उसमें पल्स मोड पे क्रश करके ऐसा ही पेस्ट बना सको। इसी तरह हम एक कप जितनी कैबेज है, एक नंग सूखी प्याज और हाफ कप जितनी हरा प्याज है। अगर आपके पास हरा प्याज ना हो तो भी ये रेसिपी अच्छी बनेगी, उसे भी हम चॉप कर लेंगे। अब एक बाउल में हम हाफ कप ओट्स लेंगे, उसमें जो हमने ये हरी प्याज की पेस्ट सूखी प्याज पत्ता गोभी ये जो हमने हरे मटर की पेस्ट बनाई थी वो भी डाल देंगे। हाफ कप जितनी हम कद्दूकस की हुई लौकी डाल देंगे, लौकी भी वेट लॉस के लिए बहुत ही फायदेमंद है। एक नंग गाजर को मैंने ग्रेट किया है वो भी डाल देंगे। नमक, लाल मिर्च, एक टीस्पून मैंने अजवाइन लिए है, हाथों को मसल कर हम अजवाइन को डाल देंगे। चार से पांच हम गार्लिक की क्लोव्स डाल देंगे, आप इसे पहले भी क्रश कर सकते हो। एक टीस्पून जितना गरम मसाला डाल देंगे, एक टीस्पून जितना नींबू का रस डालें। अब हमें इसे अच्छी तरह मिक्स करना है। अब हम मिक्सर में से कटलेट बना लेंगे। इस मिक्सर को हम दो दिन तक फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं। आप इसको कोई भी शेप में बना सकते हो। अब एक पैन में हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और पैन को ग्रीस कर लेंगे। इसी में हम टिकिया को दोनों साइड से पलट पलट कर ब्राउन होने तक सेक लेंगे। अगर आप वेजिटेबल से भरपूर ये टिकिया बच्चों के लिए बना रहे हो तो आप इसमें ऑयल और ज्यादा ये ऑयल भी डाल सकते हो।
दूसरी तरफ भी इस तरह अच्छी सीख चुकी हैं, तो अब इसे हम प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। उसी पैन में हम और टिक्कियां इस तरह सीख लेंगे। इस तरह दूसरी टिकिया भी हमने अच्छी तरह सीख ली है, उसे भी प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। इस तरह से हमने हॉट कटलेट को सीख लिया है, इसे हम सर्व करेंगे। आप इसे ब्रेकफास्ट में या डिनर में भी ले ही सकते हो, पर जब आपको भूख लगे तब भी आप इसे इजीली बना सकते हो। ये सिर्फ 15 ही 20 मिनट में ही बन जाती है, तो आप इस ओट्स कटलेट को अपने डाइट में जरूर शामिल करें। इस ओट्स कटलेट के साथ आप सलाद भी सर्व कर सकते हैं।